नमस्कार दोस्तों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है जम्मू सिटी की रोड्स की खस्ता हालत। मुझे बताते हुए बहुत दुख होता है, अफसोस होता है, जम्मू सिटी की रोड्स बहुत ही बुरी कंडीशन में है। कहीं पे पॉट होल छोटे हैं और कहीं पे ज़्यादा हैं। अभी मैं आपको बता दूं, जो रेनी सीज़न की बात करें, जो मानसून है अभी यहाँ पर जस्ट स्टार्ट हुए हैं, 5% भी बारिश यहाँ पर हुई नहीं है और कई जगहों पे रोड्स पे कई ज़्यादा खड्डे हो गए हैं, पॉट होल्स हो गए हैं, जहाँ पे चलना या गाड़ी ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और यकीन मानिए, जब ये मानसून ख़त्म होगा, रेनी सीज़न ख़त्म होगा, तो आप समझ सकते हैं कि रोड की कितनी बुरी कंडीशन होने वाली है। ये है हमारे जम्मू सिटी की स्मार्ट सिटी, जबकि स्मार्ट सिटी में रोड्स बिल्कुल साफ सुथरी रहनी चाहिए, कोई भी पॉट होल छोटा मोटा खड्डा वहां पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हमारे जम्मू सिटी में मोस्टली जो रोड्स बनती हैं वो 3 महीने 4 महीने ज़्यादा 6 महीने के बाद वो कलैप्स हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। उसका कारण ये है कि जो मटेरियल यूज़ होता है वो काफ़ी लो क्वालिटी का यूज़ होता है, नंबर वन। नंबर टू, जो लुक या कह सकते हैं जो जो उसमें विटामिन होता है वो उसकी थिकनेस कम होती है, जबकि उसकी थिकनेस एक सफिशेंट होनी चाहिए और उसकी क्वालिटी मटेरियल अच्छा होना चाहिए, लेकिन दोनों ही चीज़ें क्वालिटी भी कम और क्वांटिटी भी कम, जिसके कारण वो रोड जल्दी जल्दी बर्बाद हो जाती है। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण है करप्शन। करप्शन के कारण जो सही सामान मटेरियल क्वालिटी या पैसा लगना चाहिए वैसा नहीं लगता है। इसलिए आपके जरिए, मीडिया के जरिए मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कहना चाहूँगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ये स्मार्ट सिटी की बातें होती हैं, यहाँ पर रोड्स हमारी साफ सुथरी होनी चाहिए, 3-4-6 महीने में ख़त्म हो जाती है। इसलिए ये करप्शन को ख़त्म कीजिए, लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए और यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कीजिए और जो बिटुमन है उसकी थिकनेस अच्छी रखिए, ताकि जो आप दावे करते हैं स्मार्ट सिटी के, वो स्मार्ट सिटी साफ सुथरी रोड यहाँ पे मिल सके हैं। और दूसरी मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा कि काफ़ी कंप्लेन आई है कि नालों में एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिपार्टमेंट ने क्या किया है, वहाँ पर पोल लगाए हुए हैं। पोल तो लगा दिया आपने, लेकिन होता क्या है कि जब बारिश आती है तो वो पोल के कारण वहाँ पर उसके आसपास मटेरियल पीछे से जो आता है काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, और जब इकट्ठा ज़्यादा काफ़ी इकट्ठा हो जाता है तो पानी का जो रूट है वो डाइवर्ट हो जाता है, और जब डाइवर्ट हो जाता है तो लोगों के घरों में काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है, उनको काफ़ी मुश्किल हो जाती है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए कृपा, ये नालों के बीच में जो आप पोल लगाते हैं उसे मत लगाइए, और जो ऑलरेडी लगे पड़े हैं आप उनको हटा के कहीं और जगह पे रखिए। तो इसलिए मेरी गुजारिश है फिर से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, अगर हम दुनिया को बता रहे हैं जम्मू स्मार्ट सिटी, तो प्लीज़ ये जो रोड 3-4-6 महीने में जो ख़त्म हो जाती है, जो बड़ी शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोड की क्वालिटी अच्छी रखिए, बिटुमिन उसकी क्वालिटी अच्छी रखिए और थिकनेस अच्छी रखिए, और करप्शन पे नकेल कसिए, लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए और इनको जेल में डालिए। धन्यवाद।